Recently, in a press conference of Anup Jalota, Jocelyn Matharu's father, Kesar Matharu, speaks on his entry in Big Boss house, and he also revealed few things about Jocelyn's relation. What he said in the interview, take a look at the video. हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है, इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स अ म्यूजिकल रिलेशनशिप, सर सेड. आपका क्या रिएक्शन है इस पर, आप क्या कमेंट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से. यही था, यही मैं ऑब्जर्व करता था, क्योंकि जब भी मिले हैं, जब भी जो मैंने देखा है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि ऐसा मैंने कभी कोई देखा ही नहीं इनको. कभी कोई रिलेशनशिप होता है तो पता चलता है. मेरे वाइफ ने या मेरे बेटे ने या मैंने कभी भी ये घर आए तो हमने कभी ऐसी चीज़ कोई नोटिस ही नहीं की. ये चीज़ें छुपती थोड़ी हैं, तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया. लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि बाहर आएंगे तो ये चीज़ पता चलेगी. अभी जसलीन ने ये क्यों कहा वहाँ पे, ये क्या स्ट्रेटजी है उसकी, तो ये वो आए तो मैं उससे पूछूं. अब तो वो ही रह गई है. पहले मैं इनके बारे में कहता था ये आए तो इनसे पूछें, या अपनी बेटी से मैं पूछूंगा. अब वो आएगी तो उससे पूछेंगे, या मैं आज वहाँ जाऊँ तो वहाँ जाके पूछ लूँगा, तो पता चल जाएगा उसमें. और फिलहाल मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अच्छा खेल रही है वो. एटलीस्ट जिस काम के लिए वो गई है वो काम तो अभी सही ढंग से करके आए, मैं वो चाहता हूँ. ठीक बात. तो अभी खुली है वो, अभी बोलने लगी है. पहले इन्होंने सही कहा था कि इनके अंडर थी तो इनकी गाइडेंस भी चल रही थी, कम बोलती थी. अब उसे खुल के बोलने का उसे मौका मिल गया. और शायद उसकी ये स्ट्रेटेजी भी है कि पहले भाई सबको मैं देख लूँ, समझ लूँ ये लोग कैसे हैं, कौन है, क्या है. अब उसकी समझ में आ गया ये गेम क्या है, कौन कितना चिल्ला रहा है, कौन कितना किस तरह गाली गलौज करता है. वो स्टैंडर्ड पे तो नहीं जाएगी. जैसे अगर वो किसी से झगड़ा भी करेगी तो बहुत नाप तोल के उसके अल्फाज होंगे जो उसे बोलने हैं, इतनी तो उसे नॉलेज है. बाकी देखते हैं अभी क्या करती है. तो अभी क्योंकि वहाँ जो रहता है आदमी उसको ही पता होता है. जैसे क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन होता है, वो सबसे दुनिया में अकेला आदमी होता है, वो अपने आप को फील करता है सेंटर में खड़ा हुआ. तो ऐसे ही वहाँ आपने भी देखा होगा, आपको भी पता ही है कि वहाँ अकेला ही होता है आदमी. सब अपनी अपनी गेम खेलते हैं, अकेला ही होता है. उसे ये पता नहीं होता कि पास वाला क्या अभी करने वाला है, अंदर जाके कन्फेशन रूम में क्या करेगा. अब ये क्या बात हुई है, ये तो जसलीन के आने पे ही पता चलेगा. या मैं बिग बॉस में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके बात करूँ, मैं पूछूँ जसलीन को कि ये नहीं जाने देंगे, वो जाने नहीं देंगे. हो सकता मुझे अंदर बुलाएं अभी, हो सकता है. क्यों, बीच में एक बार कॉल आया था जब आप वहाँ थे तभी मुझे बुलाया था. कभी बुलाते हैं. हाँ, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया. बोलते नहीं इस हफ्ते नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में देखते हैं. तो अगर बुलाते हैं मैं जाके पूछूंगा अभी ये क्या था. या बाहर आने के बाद फिर आप भी पूछिए मैं भी पूछूंगा. सब दस दिन से पूछेंगे. इट्स अ जेएस रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड.